हेलो फ्रेंड्स, तो आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में और आपके अपने किचन में। तो आज की हमारी टेस्टी सी रेसिपी मूंग और पनीर की सब्जी होने वाली है, जो कि बहुत ही टेस्टी बनेगी और हेल्दी भी है। और इसे आप ना बिल्कुल आसान तरीक़ों से बना सकते हैं, वो भी बहुत ही कम समय में, जिसे हम प्रेशर कुकर में बनाएंगे, जिससे कि आपको कम समय में बहुत ही टेस्टी सी सब्जी बनके तैयार हो जाए। तो सबसे पहले ना मूंग को 5 से 6 घंटे के लिए सोख करके रख देंगे, या फिर आप ओवर नाइट भी रख सकते हैं। उसके बाद एक प्रेशर कुकर लेंगे, इसमें थोड़ा सा सरसों तेल डालेंगे और फिर इसमें जीरा, एक साबुत लाल मिर्च, तेज़पत्ता डाल लेंगे। उसके बाद इसे चला लेंगे और फिर यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ना इसे मैं लहसुन ग्रेट करके डाला है। आप चाहें तो लहसुन का पेस्ट का भी यूज कर सकते हैं, और लहसुन अगर नहीं पसंद हो ना तो स्किप कर सकते हैं। और यहाँ पे अदरक भी डाला जा सकता है अकॉर्डिंग टू टेस्ट, पर मुझे पसंद नहीं है तो मैंने तो इसे अवॉइड ही किया है। फिर प्याज डालेंगे, प्याज को डाल के ना हम इसे भून लेंगे। प्याज को लंबे लंबे पीसेस में मैंने कट किया है, यहाँ पर मैंने ना 4 प्याज का यूज़ किया है। और उसके बाद ना प्याज डालने के बाद थोड़ा सा नमक डाल देंगे, जिससे कि प्याज गल जाए। और जब तक कि हमारा ये प्याज और फ्राई होता है, तब तक पनीर को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। तो इसमें ना पनीर को थोड़े से छोटे पीसेस में कट करेंगे, तो इसमें आप छोटे पीसेस में ही कट कीजिएगा ना, तो इसका बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा। तो इसी तरह से जैसे मैं कट करी, आप छोटे छोटे पीसेस में कट करें। और यहाँ पे बीच बीच में हम अपना प्याज को भी देखते रहेंगे, थोड़ा सा भूनते रहेंगे। अब यहाँ पर भूनते हुए 3 से 4 मिनट हो गया, तो यहाँ पे हम टमाटर डालेंगे। टमाटर मैंने 2 लिया है, जिसे कि मैंने बारीक कट किया। आप चाहें तो ना तो इसका टमाटर का ग्रेवी भी बना, टमाटर को मिक्सी में चला के भी डाल सकते हैं। पर इस तरह भी आप इसे फ्राई करेंगे ना मीडियम फ्लेम पर, तो अच्छे से टमाटर गल जाते हैं। तो आप प्यूरी डालिए या फिर ऐसे ही डालिए, दोनों ही में ही आपकी सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनेगी। फिर पनीर को हम फ्राई कर लेंगे, तो पनीर को हमें हल्का सा फ्राई करना है। ये देखिए मूंग, जिसे कि मैंने धो के अच्छे से साफ़ करके रखा है, अब यहाँ पे मूंग को ऐड कर देंगे और इसे फिर से हम चला लेंगे। तो मूंग ना आप इस तरह से सोख करके रात भर रख सकते हैं, या फिर 5 से 6 घंटों के लिए। देखिएगा प्रॉपर जब सोख हो जाए तभी इस रेसिपी को आप बनाइएगा। कभी कभी मूंग फूलने में ना ज़्यादा टाइम लगता है, तो वैसे कंसिस्टेंसी में थोड़ा देर से आप बनाइएगा। और उसके बाद इस तरह से हम इसे चला लेंगे। उसके बाद मसालों को इसमें ऐड करेंगे, तो नमक इसमें डालेंगे स्वादानुसार। नमक थोड़ा सा मैंने प्याज को भूनते वक्त भी डाला है, तो इसे बैलेंस में डालना होगा। उसके बाद आप थोड़ा सा इसे फिर से चला लीजिए। उसके बाद हम इसमें अब मसालों को डालेंगे, तो यहाँ पर हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, इस सभी मसाले को डालेंगे। और इसे यहाँ पे ना फ्लेम मीडियम ही रखिएगा, जिससे कि मसाला तले में बैठे नहीं, चिपके नहीं। तो हल्दी धनिया डाल चुके, थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर, और यहाँ पे मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का यूज़ किया है, और ग्रीन चिली को काट के हरी मिर्च को डाला है। अगर आपको लाल मिर्च पसंद हो ना तो आप लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। ये मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाला, जिससे कि ना इसका टेस्ट के साथ 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 ना कलर भी बहुत ही प्यारा सा आ जाए। तो यहाँ पे अब ये फ्राई हो चुका है सारे मसालों के साथ, तो अब यहाँ पे पनीर डाल देंगे और इसे फिर से चला लेंगे। अब यहाँ पे आपको पानी ऐड करना है, तो पानी ना अपनी आप अकॉर्डिंग टू बनाइएगा टेस्ट की। आपको रोटी पूरी या चावल में खाना है तो जिस में आपको खाना हो, अगर आपको चावल में खाना हो, जीरा राइस में खाना हो, तो पानी ना थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा। और चपाती और पूरी या पराठे में खाना हो तो पानी थोड़ा कम भी डालेंगे तो भी बहुत ही अच्छा लगेगा। यहाँ पर मैंने ना थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च फिर से डाला है, थोड़ा सा यहाँ पर कसूरी मेथी डालेंगे, थोड़ा सा गर्म मसाला पाउडर। अब यहाँ पर प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे, और आपको ना इसे 2 सीटी आने तक पकाना है। तो 2 सीटी आके हमारा तैयार है और ये ठंडा भी हो चुका है। तो देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कितनी बढ़िया हमारी पनीर और मूंग की सब्जी बन के तैयार हुई है। बहुत ही हेल्दी और डिलीशियस डिश है, तो इसे ना आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इसे हम सर्व आउट कर लेते हैं, तो देखिए हमारा कितना टेस्टी सा सब्जी बन के तैयार है।
और यहाँ पर आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होगी नहीं। आप प्रेशर कुकर में इसे आराम से बनाइए, कढ़ाई में भी बना सकते हैं तो उसमें टाइम टेकिंग होगा। तो सजेस्ट करूँगी आप प्रेशर कुकर में ही बनाइए। और वीडियो अच्छी लगे ना तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स।